जय हिंद, वंदे मातरम साथियों, स्वागत है हमारे YouTube चैनल गाइड विद आरडी शर्मा में। हेलो साथियों, सभी को गुड मॉर्निंग। आज पर्यावरण की क्लास होने वाली है और यह पर्यावरण ईवीएस की क्लास आने वाले सीटेट एग्जाम के लिए, एमपीटेट एग्जाम के लिए, जेटेट के लिए, रीट के लिए, यानी सभी टीचिंग एग्जाम्स के लिए यह ईवीएस की क्लास महत्वपूर्ण होने वाली है। तो सभी लोग क्लास से जुड़िए और वीडियो को पूरा वॉच करिए, जिससे कि आपको कुछ नया सीखने को मिलेगा। और यह क्लास सिर्फ प्रैक्टिस क्लास नहीं होने वाली है, इसमें आपको कॉन्सेप्ट भी सीखने को मिलेगा। तो क्लास को पूरा वॉच करिएगा, कुछ नया सीखने को ज़रूर मिलेगा। तो चैनल पे अभी जो नए जुड़े हुए हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन प्रेस कर लें, जिससे उन्हें वीडियो का लिंक मिलता रहेगा। तो चलिए शुरू करते हैं अपनी क्लास ईवीएस की। पहला क्वेश्चन लेते हैं यहाँ पे। पहला क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में आपको सत्य बताना है, कौन सा यहाँ पे सही है, कौन सा यहाँ पे सही है, वो चीज आपको यहाँ पे बतानी है। पहला ऑप्शन दिया गया है, हाथी गंदले पानी में खेलना पसंद करते हैं। हाथी गंदले पानी में खेलना पसंद करते हैं क्योंकि इनके शरीर को ठंडक मिलती है, क्या ये सही है। दूसरा है, अधिकांश हाथी दिन में लगभग 10 घंटे आराम करना और सोना पसंद करते हैं। 3 महीने के हाथी के बच्चे का वजन लगभग 200 किलोग्राम वजन होता है इनका। अगला है, अधिकांश बड़े हाथी एक दिन में लगभग 100 किलोग्राम पत्ते या झाड़ियां खा लेते हैं। क्वेश्चन करने से पहले आपको हम इसके बारे में डिटेल बता देते हैं कि क्या 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 फैक्ट हो सकते हैं हाथी के बारे में। पहला फैक्ट यहाँ पे ये है, कि हाथी जमीन पर रहने वाला सबसे बड़ा स्तनपाई जानवर है, स्तनपाई जानवर है। दूसरा फैक्ट ये है कि हाथी गंदे पानी में खेलना पसंद करते हैं, गंदे पानी में खेलना पसंद करते हैं। दूसरा, हाथी के 3 महीने का बच्चे का जो वजन होता है वो 200 किलोग्राम होता है, वो 200 किलोग्राम होता है, इससे भी ज़्यादा होता है लेकिन इससे कम नहीं होगा। अधिकांश बड़े हाथी एक दिन में लगभग 100 किलोग्राम से 136 किलोग्राम तक चारा या पत्ते झाड़ियाँ खा लेते हैं। कितना, 100 से 136 किलोग्राम तक ये चारा खा लेते हैं। तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? पहला भी सही है, दूसरा यहाँ पे गलत है। ये 10 से 10 घंटे आराम ना करके ये 3 से 4 घंटे आराम करते हैं, ये 3 से 4 घंटे सोना पसंद करते हैं। और एक फैक्ट ये भी है यहाँ पे, कि जो हाथी का गर्भकाल होता है, हाथी का जो गर्भकाल होता है वह 22 महीने का होता है, वह 22 महीने का होता है। तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? यहाँ पे थर्ड ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, क्योंकि पहला भी सही है, तीसरा भी सही है और फोर्थ पार्ट भी यहाँ पे सही होने वाला है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, मधुबनी चित्रकला के बारे में सही कथन चुनना है। मधुबनी चित्रकला के बारे में सही कथन आपको चुनना है। पहला है, इन चित्रों को बनाने के लिए नील, हल्दी, फूल, पेड़ों के रंग आदि का इस्तेमाल किया जाता है, क्या यह सही है? अभी इसके बारे में आपको हम फैक्ट बताते हैं कि मधुबनी चित्रकला, या इसको ही हम क्या कहते हैं, मधुबनी
चित्रकला को, मधुबनी चित्रकला को ही हम क्या कहते हैं, मिथिला पेंटिंग बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मिथिला पेंटिंग। इसके बारे में बता दें कि यह एक भारतीय चित्रकला है, यह एक भारतीय चित्रकला है। इसमें इसके चित्रों में इंसान, जानवर, पेड़, फूल, पंछी, मछलियां आदि दिखाई देते हैं। कौन कौन से? इंसान, जानवर, पेड़, फूल, पंछी, मछलियां आदि दिखाई देते हैं। और एक चीज ये भी है कि मधुबनी जो है उत्तर बिहार का एक प्रसिद्ध जिला है। मधुबनी उत्तर बिहार का एक प्रसिद्ध जिला है। तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? पहला तो ये ऑप्शन पहला गलत हो जाएगा। इन चित्रों में इंसान, जानवर, पेड़, फूल, पंछी, मछलियां आदि दिखाई जाते हैं। दूसरा, यह लोक चित्रकला बहुत पुरानी है, इसका नाम मधुबनी नामक स्थान के नाम पर पड़ा। तो यह भी बिल्कुल सही है। मधुबनी राजस्थान का अति प्रसिद्ध जिला है। नहीं, ये राजस्थान गन्ना होके कहाँ का है? उत्तरी बिहार का है। तो यहाँ पे फोर्थ ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन लेते हैं। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे, कोई पक्षी पेड़ की ऊंची डाल पर अपना घोंसला बनाता है, यह पक्षी कौन सा हो सकता है? तो यहाँ पे चार पक्षी आपको दिए गए हैं। कितने? चार पक्षी आपको दिए गए हैं। हर पक्षी के बारे में आपको जानकारी देंगे। पहला दिया गया है शकर खोरा। तो यह कैसा पक्षी होता है? यह पक्षी पेड़ की पतली शाखाओं में लिपटा हुआ अपना घोंसला बनाता है। कहाँ पे? पेड़ की पतली शाखाओं में अपना घोंसला बनाता है। कहाँ पे बनाता है? पेड़ की पतली शाखाओं में अपना घोंसला बनाता है। यह किस आकार का होता है? यह पर्स के आकार का होता है। जो शकरकोरा घोंसला बनाता है वो पर्स के आकार का होता है और पेड़ की पतली शाखाओं में अपना घोंसला यह बनाता है। कल चिट्ठी के बारे में देख लेते हैं। यह पक्षी दीवार की छेद में, यानी दीवार की छेद में अपना घोंसला बनाना पसंद करता है और पेड़ की खोल में भी अपना घोंसला बनाना पसंद करता है। बात कर लेते हैं कौवा की। तो कौवा पेड़ की ऊंची डाल पर, यह है पेड़ की ऊंची डाल पर अपना घोंसला बनाना पसंद करता है। बात कर लेते हैं पाखटा की। पाखटा क्या होता है? पाखटा अपना घोंसला कहाँ बनाता है? तो यह छोटे पेड़ों में अपना घोंसला बनाता है। यह छोटे पेड़ों में अपना घोंसला बनाना पसंद करता है, यानी कि कम ऊंचाई वाले स्थानों में। तो यहाँ पूछा क्या गया है आपसे, कोई पक्षी पेड़ की ऊंची डाल पर अपना घोंसला बनाता है, यह पक्षी कौन हो सकता है? तो ऊंची डाल पर कौन बना रहा है? कौवा बना रहा है। तो ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? तीसरा ऑप्शन आपका बिल्कुल यहाँ पे सही होने वाला है। तो यहाँ पे आपको क्या क्या पता चला? शकरकोरा के बारे में, पक्षी के बारे में पता चला आपका, कलचिट्टी के बारे में पता चला आपको, और पाखटा पक्षी के बारे में आपको पता चला। ये बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सीटेट और एमपीटेट के लिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है, पोचमपल्ली एक गांव है। यह गांव एक विशेष प्रकार के कपड़े की बुनाई के लिए प्रसिद्ध है और इसे भी पोचमपल्ली ही कहते हैं। यह गांव निम्नलिखित में से किसका भाग है? सबसे पहले आपको इसके बारे में कुछ चीजें बता देते हैं। पोचमपल्ली जो गांव है यह है आंध्र प्रदेश के
नालगोंडा जिले में स्थित है। आंध्र प्रदेश के नालगोंडा जिले में स्थित है। कौन सा? पोचमपल्ली जो है, यहाँ की पोचमपल्ली साड़ियाँ बहुत ही पसंद है। यहाँ पे जो साड़ियाँ हैं वो बहुत ही प्रसिद्ध और फेमस हैं। यहाँ के कपड़े अपनी रंगाई व कढ़ाई के लिए, यहाँ के जो कपड़े हैं रंगाई व कढ़ाई के लिए तथा ज्यामितीय रूप, ज्यामितीय रूप का मतलब कि वो उन कपड़ों में ज्यामितीय आकृतियां बनी होती हैं। कभी सर्कल बना हुआ होगा, कभी चतुर्भुज बना हुआ होगा, इसके लिए बहुत ही फेमस होते हैं। तो पोचमपल्ली, पता चला आपको कि पोचमपल्ली जो गांव है आंध्र प्रदेश के नालगोंडा जिले में स्थित है। यहाँ की साड़ियाँ बहुत फेमस हैं और कपड़े भी यहाँ के बहुत फेमस हैं। किस लिए? क्योंकि यहाँ की रंगाई कढ़ाई जो कि बिल्कुल अलग प्रकार की होती है। तो यहाँ पे कौन सा सही हो जाएगा? थर्ड ऑप्शन आपका बिल्कुल सही होने वाला है, क्योंकि आंध्र प्रदेश का ये एक भाग है। और आंध्र प्रदेश के किस जिले में? तो नालगोंडा जिले में यह स्थित है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपको दिया गया है कि रेगिस्तानी ओक क्या है। रेगिस्तानी ओक के बारे में जानकारी बताइए। यह पेड़ ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है। दूसरा है, यह एक विशेष प्रकार का पेड़ है जिसकी जड़ें टहनियों से लटकी रहती हैं। इस पेड़ की जड़ें जमीन से उस गहराई तक जाती हैं तब तक कि पानी तक ना पहुंच जाएं। डी ऑप्शन दिया गया है, इस पेड़ के तने में पानी जमा होता रहता है और स्थानीय लोग पतले पाइप का उपयोग करके इस पानी का उपयोग करते हैं पीने में। तो बता दें कि यहाँ पे जो यह पेड़ ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है, बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है ए नंबर। इसके बाद में दूसरा, यह एक विशेष प्रकार का पेड़ है जिसकी जड़ें टहनियों से लटकी होती हैं। नहीं, टहनियों से नहीं लटकी होती हैं, इसकी जड़ें जमीन के अंदर तक जाती हैं जब तक उसको पानी ना मिल जाए, जब तक उसको पानी ना मिल जाए। तो ये ऑप्शन गलत हो जाएगा। और अगला है, इस पेड़ की जड़ें जमीन में उस गहराई तक जाती हैं जब तक पानी तक न पहुंच जाए, बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन है, इस पेड़ के तने में पानी जमा होता रहता है और स्थानीय लोग पतले पाइप का उपयोग करके इस पानी को पीते हैं, बिल्कुल सही बात है। तो कौन सा ऑप्शन यहाँ पे सही होने वाला है? ए सही हो गया, सी सही हो गया और डी सही होगा। तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन सही है? ए, सी और डी। तो यहाँ पे दूसरा ऑप्शन बिल्कुल सही होने वाला है। राजस्थानी ओक के बारे में आपको कुछ जानकारी बता देते हैं। यह ऑस्ट्रेलिया में पाया जाने वाला पेड़ है जिसका वनस्पति जो नाम है होता है, वनस्पति नाम क्या है इसका? एकेसिया नाम इसका होता है, एकेसिया, या इसी को हम क्या बोलते हैं, कोरियासिया, कोरियासिया इसको ही बोला जाता है। तो यह वनस्पति नाम पूछ लिया जाता है। तो क्या होता है, एकेसिया या कोरियासिया? यह पेड़ शुष्क प्रदेश में पाया जाता है। यह पेड़ कहाँ पाया जाता है? शुष्क प्रदेश में यह पेड़ पाया जाता है। और दूसरी बात यह है कि इसकी तनों में पानी जमा होता रहता है जो कि स्थानीय लोग पतले पाइप का प्रयोग करके इस पानी को पीते हैं। तो आपको पता हो गया कि रेगिस्तानी ओक क्या है, इसको हम डेजर्ट ओक भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? डेजर्ट ओक। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, अबू धाबी के विषय में कौन सा ऑप्शन सही है? अबू धाबी, अबू धाबी किसकी राजधानी है? अबू धाबी किसकी राजधानी है? तो अबू धाबी जो राजधानी है यूएई की राजधानी है, यानी कि यूनाइटेड, किसकी राजधानी है? यूनाइटेड अरब अमीरात, यूनाइटेड अरब अमीरात की राजधानी है। अब देख लेते हैं कौन सा ऑप्शन यहाँ पे सही है। यह रेगिस्तानी इलाके में होता है, यह रेगिस्तानी इलाके में होता है। अबू धाबी में पानी पेट्रोल से महंगा है, बिल्कुल सही है। अबू धाबी में पानी पेट्रोल से महंगा होता है। अबू धाबी की मुद्रा रुपये या दिनार को कहते हैं? नहीं, वहाँ की जो मुद्रा होती है वो दिरहम होती है। क्या होती है? दिरहम।
यहाँ की मुद्रा जो होती है यूएई दिरहम इसकी मुद्रा होती है, रुपए नहीं होती है। आगे देख लेते हैं कि यह यहाँ पे पेट्रोल बहुत होता है, यह पेट्रोलियम के लिए जाना जाता है। कौन सा देश पेट्रोलियम के लिए जाना जाता है? तो यूनाइटेड अरब अमीरात, इसकी राजधानी अबू धाबी होती है। इस देश में जल को बहुत ही अमूल्य माना जाता है क्योंकि यह शुष्क प्रदेश है, यह शुष्क प्रदेश है। और बता दें कि यह यूएई देश महत्वपूर्ण मध्य पूर्व एशिया में स्थित एक प्रमुख देश होता है। यहाँ की आधिकारिक जो भाषा होती है वो अरबी है, आधिकारिक भाषा जो अरबी होती है, और यहाँ लेकिन अंग्रेजी भाषा भी अच्छी बोली जाती है। यहाँ पे कौन सा ऑप्शन सही होने वाला है, यानी कि पहला रेगिस्तान इलाके में, दूसरा अबू धाबी में पानी पेट्रोल से महंगा है, बी बिल्कुल सही हो गया, स्थानीय भाषा अरबी है, यहाँ पे आधिकारिक भाषा अरबी होती है। यहाँ तो कोई भी ऑप्शन सही नजर आ नहीं रहा, तो ऑप्शन गलत दिया गया है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन दिया गया है, कुछ जानवर रात में जागते हैं, कुछ जानवर रात में जागते हैं, ये जानवर हर चीज को जिन रंगों में देखते हैं वे कौन से रंग हैं? तो जो रात में जागे उसे क्या बोला जाता है? निशाचर बोला जाता है, निशाचर। और निशाचर कौन से पक्षी होते हैं? उल्लू पक्षी होते हैं, उल्लू और रैगून, ये पक्षी निशाचर कहलाते हैं। और जो दिन में सक्रिय रहते हैं वह पक्षी अन्य रंगों को भी पहचान सकते हैं। तो यहाँ पे पूछा क्या गया है, जो जानवर रात में जागते हैं वो कौन सा रंग पहचान सकते हैं? तो काला और सफेद रंग ही पहचान पाते हैं। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन यहाँ बहुत अच्छा दिया गया है कि नीचे चित्र में फर्स्ट 24 घंटे की घड़ी दिखाई दी गई है तथा चित्र में सेकेंड और थर्ड में दो जानवरों एक्स और वाई के सोने के समय छायांकित भाग से दिखाई गए हैं। एक्स तथा वाई के सोने के समय के बारे में सही ऑप्शन चुनिए। पहला है एक्स 20 घंटे सोता है जबकि वाई 18 घंटे सोता है। दूसरा है एक्स 18 घंटे सोता है जबकि वाई 4 घंटे सोता है। तीसरा है एक्स 4 घंटे सोता है जबकि वाई 18 घंटे सोता है। तो यहाँ पे एक्स के लिए बोला गया है, यहाँ पे जो घंटे दिए गए हैं वो 24 घंटे दिए गए हैं और जो सेक्टर दिए गए हैं यानी कि जो खाने दिए गए हैं यहाँ पे वो 12 खाने दिए गए हैं। तो एक खाना 2 घंटे के बराबर है, तो यहाँ पे जो एक्स जानवर है 2 घंटे ही सोता है, तो इसके हिसाब से कितने घंटे सोएगा वो, यानी सेक्टर के हिसाब से यह 4 घंटे सोएगा। यहाँ पे 9 सेक्टर भरे हुए हैं तो यह कितने घंटे सोएगा? तो यह 9 × 2 = 18 घंटे सोएगा, कौन सा? वाई वाला। तो कौन सा ऑप्शन सही है यहाँ पे? वाई बिल्कुल, ये थर्ड ऑप्शन बिल्कुल यहाँ पे सही होने वाला है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन दिया गया, अमृत सागर क्या है? अमृत सागर क्या है? अमृत सागर क्या है? अमृत सागर के बारे में बता दें कि यह है जॉर्डन ब्रंस घाटी में स्थित है। कहाँ पे यह है? जॉर्डन ब्रंस घाटी में स्थित है, जॉर्डन ब्रंस घाटी में स्थित है। यहाँ का जो पानी होता है, इस सागर का जो पानी होता है बहुत ही अत्यधिक नमकीन होता है, यानी कि बहुत ज़्यादा मैक्सिमम नमकीन होता है और लवणता युक्त पानी यहाँ का होता है, जिस कारण से इसको मृत सागर कहते हैं। इसमें मुख्यतः जॉर्डन नदी व अन्य नदियां आकर यहाँ पे इस सागर में गिरती हैं। आके कौन सी? जॉर्डन नदी और अन्य नदियां कुछ इस सागर में गिरती हैं आके। आगे बता देते हैं आपको इसके बारे में। इसमें साधारण जल की तुलना में 20 गुना अधिक क्या होता है? 20 गुना अधिक
ब्रोमीन पाया जाता है और 50 गुना अधिक यहाँ पे क्या पाया जाता है, मैग्नीशियम यानी Mg पाया जाता है, और 10 गुना अधिक यहाँ पे आयोडीन पाया जाता है। और इसकी लवणता जो है 238 प्रति हजार ग्राम होती है, इस कारण इसे अमृत सागर कहा जाता है। तो इसमें सही कौन सा हो जाएगा, ऐसा सागर जिसका पानी जहरीला होता है, नहीं, ऐसा सागर जो सभी महासागरों व सागरों से ज्यादा नमकीन होता है। तो यहाँ पे दूसरा ऑप्शन बिल्कुल सही होने वाला है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है कि कक्षा थर्ड के विद्यार्थियों को भोजन का पाठ पढ़ाते समय अंजलि भोजन संबंधी आदतों में सांस्कृतिक क्षेत्रीय विविधता पर विशेष ध्यान देना चाहती है, नीचे दिए गए अधिगम अवसरों में किसके द्वारा विद्यार्थियों को वांछित जानकारी दी जा सकती है। अगर कोई भोजन के बारे में पढ़ा रहा है तो भोजन से ही संबंधित बातचीत होनी चाहिए। तो विभिन्न क्षेत्रों में संस्कृत के भोजन को दर्शाने वाले चार्ट का उपयोग करें। चार्ट का क्यों भाई उपयोग किया जाएगा, विभिन्न क्षेत्रों संस्कृतियों के विद्यार्थियों से उनके घरों से खाए जाने वाले भोजन मंगाकर प्रदर्शित करना और सहपाठियों से सूचना को आदान प्रदान करना बेटर ऑप्शन लग रहा है। अगला पढ़ लेते हैं। पाठ्य पुस्तक में विभिन्न प्रकार के भोजनों के विषय में दी गई जानकारी की विशिष्ट व्याख्या करना, पाठ्य से उनको जानकारी मिलेगी लेकिन उतनी अच्छी नहीं मिल पाएगी जितनी अच्छी प्रैक्टिकल करके उसको दिखाया जाएगा। किसी बाहरी भोजन बनाने वाली व्यवसायिक एजेंसी को आग्रह करके विभिन्न क्षेत्रों संस्कृतियों को भोजन का प्रदर्शन करेंगे, वो तो अपने हिसाब से करेंगे, उसमें बच्चों का क्या लेना देना होगा। तो छात्रों को सूचना आदान प्रदान करने के लिए कहना तथा विभिन्न क्षेत्रों और संस्कृतियों से आए हुए छात्रों से उनके घरों में बनने वाले भोजन को ही मंगाकर उनको प्रैक्टिकल कराना और सहपाठियों से सूचना आदान प्रदान कराना ही ज्यादा बेटर होगा। तो दूसरा ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है, कक्षा 5 के विद्यार्थियों को पर्यावरणीय चिंताओं के बारे में पढ़ाते समय प्रीति प्रदूषण पर अधिक बल देना चाहती है, वांछित उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए नीचे दिए गए क्रियाकलापों में कौन सा सर्वाधिक प्रभावी हो सकता है। पहला, विद्यार्थियों से विभिन्न प्रकार के प्रदूषण को के चार्ट बनवाकर। दूसरा, विद्यार्थियों को शैक्षणिक भ्रमण पर ले जाकर किसी प्रदूषित नदी को दिखाना। तीसरा है, विद्यार्थियों से विभिन्न प्रकार के प्रदूषणों से संबंधित समूह परियोजनाओं पर कार्य करने के लिए कहना। चौथा है, किसी विशेषज्ञ को निमंत्रित करके वायु जल ध्वनिया के प्रदूषण के बारे में भाषण दिलवाना। तो यहाँ पे सभी ऑप्शन एक तरीके से बहुत अच्छे लग रहे हैं, लेकिन ऑप्शन यहाँ पे बेटर हमें चुनना होता है। तो बेटर ऑप्शन यहाँ से कैसे चुनेंगे, ऐसा ऑप्शन चुनना है कि जिसमें ज्यादा क्रियाकलाप हो, तो कौन सा ऑप्शन यहाँ पे सबसे बेटर होने वाला है। तो यहाँ पे लिखा है, विद्यार्थियों से विभिन्न प्रकार के प्रदूषणों से संबंधित समूह परियोजनाओं पर कार्य करने के लिए कहना। अच्छा, देख लेते हैं, जब छात्र परियोजना बनाते हैं यानी परियोजना पर किसी कार्य करते हैं तो एक दूसरे से बात करेंगे, वो कुछ और कहेगा, दूसरा बच्चा कुछ और कहेगा, तो उनकी जो संप्रेषण शक्ति होगी वो तो बढ़ेगी, लेकिन प्रदूषण के बारे में कुछ जानकारी भी एकत्रित होगी। तो कौन सा ऑप्शन यहाँ बेटर लग रहा है, थर्ड ऑप्शन बिल्कुल यहाँ पे बेटर लग रहा है। ऐसी ऑप्शन को कंपेयर करके हम सही ऑप्शन चुन सकते हैं, जब ये न समझ में आए कि कौन सा ऑप्शन सही होगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन दिया गया है, नेहा कक्षा 5 के EVS विषय में नीचे दी गई मूल्यांकन तकनीक का उपयोग करती है। पहला है, हस्त सिद्ध क्रियाकलापों का मूल्यांकन।
दूसरा है गृह कार्य मूल्यांकन, तीसरा है परियोजना कार्य मूल्यांकन, चौथा है मौखिक परीक्षा। यहाँ पे क्वेश्चन को टिक करने में किसी किसी की हालत खराब हो जाती है, लेकिन यहाँ पे हम आपको एकदम बिल्कुल एकदम सटीक ऑप्शन बताते हैं और अच्छा तरीका बताते हैं कैसे ऑप्शन को कंपेयर करके हम सही ऑप्शन चुन सकते हैं। तो पहला लिखा हुआ है हस्तसिद्ध क्रियाकलापों का मूल्यांकन। तो जब वो क्रियाकलाप करेगी तो जाहिर सी बात है कि एक्टिविटी सामने वालों को दिखेगी। दूसरा है गृह कार्य, अब भाई घर में वो कुछ भी कर रहा है, खुद का मालिक है, करे या ना करे। थर्ड ऑप्शन है परियोजना कार्य मूल्यांकन, परियोजना बनाएगा वो, अपने आप बनाएगा और अपने आप मूल्यांकन कर लेगा, तो ये भी ऑप्शन कुछ सही नहीं लगा। मौखिक परीक्षा, जब किसी की हम मौखिक परीक्षा लेते हैं तो उसको हम आमने सामने बात करेंगे ना उससे कि वो कैसा हमारे साथ व्यवहार कर रहा है, यानी उससे हमने पूछा कि बताओ एक और एक कितने होते हैं, तो सामने ऐसे ही बता देगा तुरंत कि भैया एक और एक दो होता है, तो उसका वो परीक्षण हो जाएगा। हम मूल्यांकन कर लेंगे कि बच्चा जोड़ और घटाना की जो प्रक्रिया है उसे भली भांति वो जानता है। तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन बेटर हो सकता है, यानी कि हम कह सकते हैं कि ईवीएस में किसी अच्छे कार्य गृह कार्य को मुख्यतः विस्तारित करके कौन सा ऑप्शन यहां चुना जा सकता है। तो यहां पे पहला और कौन सा ऑप्शन चुनेंगे, यहां पे पहला और चौथा, यानी कि वह क्रियाकलाप करे और मौखिक परीक्षा दे, तो यहाँ पे दूसरा ऑप्शन बिल्कुल बेटर होने वाला है, क्योंकि परियोजना कार्य हो जाएगा तो खुद का मूल्यांकन करने लगेगा और गृह कार्य में भी वो खुद का मूल्यांकन करने लगता है। आगे देखेंगे अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है ईवीएस में किसी अच्छे गृह कार्य को मुख्यतः किस पर केंद्रित होना चाहिए, किसी अच्छे गृह कार्य को मुख्यतः किस पर केंद्रित होना चाहिए। भाई ईवीएस पढ़ाई जाएगी हमारी, ईवीएस में सब कुछ आता है। ईवीएस पढ़ाई जाती है कि नैतिक मूल्यों को जानने के लिए, पर्यावरण को जानने के लिए, आसपास की वस्तुओं, भौतिक क्रियाओं, रासायनिक क्रियाओं, यानी सब कुछ जानने के लिए ही पढ़ाया जाता है। कक्षा 5 के बच्चों को जो कुछ पढ़ाओगे तो भविष्य में आगे देखेगा जाके कि हमको ये चीज करनी है या नहीं करनी है, पेड़ लगाना है या नहीं लगाना है, पेड़ लगाने से हमारे लिए क्या फायदा है, वो अभी जब बताया जाएगा तब वो जाके भविष्य में करेगा जाके वो चीज। तो यहाँ पे पहला ऑप्शन है पुनरावृत्ति प्रबलीकरण, दूसरा है मास्टरी लर्निंग, तीसरा है विस्तारित अधिगम के लिए चुनौतियां और उत्तेजना। सबसे बेटर ऑप्शन यहाँ क्या लग रहा है, जब कोई चीज अभी सिखाई जाएगी तब तो आगे जाके वो उन चुनौतियों को फेस कर पाएगा, उसके अंदर उत्तेजना रहेगी कि नहीं ये काम हम कर सकते हैं। यानी हम कह सकते हैं कि विस्तारित अधिगम के लिए चुनौतियां और उत्तेजना पर केंद्रित होना चाहिए ईवीएस की क्लास, जिसके कारण उस विषय द्वारा भविष्य में उत्पन्न होने वाली चुनौतियां एवं उपायों का पूर्वाभ्यास हो सके, यानी कि कोई भी उसको चुनौती आगे भविष्य में हो तो उनसे निपट सके। तो कौन सा ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा, थर्ड ऑप्शन बिल्कुल यहाँ पे सही होने वाला है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। शालिनी ने कक्षा 4 के विद्यार्थियों को विभिन्न विज्ञान केंद्र दिखाने के लिए शैक्षणिक भ्रमण की योजना बनाई, नीचे दिया गया है कि कौन सा सामान्य निर्देश इस भ्रमण के लिए अप्रासंगिक है। पहला, प्रदर्शन के समय अपनी शंकाओं के विषय में प्रश्न पूछना सही है, अपना दिन भर का बस्ता लेकर आना यही गलत है, यहाँ पे बिना पूछे सूचित किए नहीं जाना चाहिए, यानी कहीं भी बिना पूछे बताए नहीं जाना चाहिए, बिल्कुल सही है। अपने साथ पेन और नोटपैड ले जाना चाहिए, यहाँ पे तीनों ये सही है और दूसरा यह अप्रासंगिक है, तो यहाँ पे दूसरा ऑप्शन बिल्कुल गलत हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, चैनल पे जो नए जुड़े हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें जिसके उनकी तैयारी अच्छी हो सके, बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लें
अगर चाहते हैं कि हमारी सीटेट और एमपीटेट की क्लास अच्छी चलती रहे और उनकी तैयारी हो सके, वीडियो को पूरा वाच करें। अगला लास्ट क्वेश्चन यह देखेंगे कि प्राथमिक स्तर की अच्छी ईवीएस पाठचर्या में होना चाहिए, क्या होना चाहिए। पाठ के अंत में अधिक अभ्यास प्रश्न अधिक नहीं होना चाहिए, होने चाहिए लेकिन अधिक नहीं होने चाहिए। दूसरा, अपने आसपास को खोजने के अवसर प्रदान करना, अपने आसपास को खोजने के लिए अवसर प्रदान करना बिल्कुल सही है। संकल्पनाओं की विस्तृत व्याख्या पर अधिक एकाग्रता, पदों की यथार्थ की परिभाषा पर अधिक बल देना, रटने में कोई बल नहीं देना है यहाँ पे, अधिक एकाग्रता भी नहीं ठीक होती है। तो यहाँ पे दूसरा ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो एक लाइक जरूर करिए, एक कमेंट्स जरूर करिए कि आपको क्या चीज़ नहीं समझ में आई, वो हम कमेंट्स में आपको जरूर बताएंगे। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।